जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एरे एंड पॉइंटर एंड प्रैक्टिस एग्जांपल्स, प्लस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया था सम स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम्स। इस नाउ सेशन इस कमिंग सेशन में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा ऑल प्रोग्राम्स और मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एरे प्रॉपर्टी लाइक अ मैट्रिक्स और लाइक अ वन डायमेंशनल एरे लाइक दैट। मीन्स एरे से रिलेटेड जितने भी मोस्टली प्रोग्राम्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सारे सारे प्रोग्राम डिस्कस करूंगा मैं वन बाय वन। इन फर्स्ट केस में इनिशियल सेशन जस्ट बेसिक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इनका लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम जस्ट बेसिक प्रोग्राम है, देन इस बेसिक प्रोग्राम के बेसिस पर स्टेप्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट वन इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना, सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। मीन्स इस केस में जस्ट आपको रन टाइम पर एक एरे रीड कराना है। देन एरे के केसेस में इनिशियली जब एरे क्रिएट करोगे तो एरे के केस में जस्ट डिक्लेयर क्या करेंगे, मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज मे बी 10, मे बी 100, मे बी 1000 और 10000 लाइक दैट। लेकिन एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट मैनेज ना करके जस्ट मैनेज कितने एलिमेंट्स करेंगे, एन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर एरे का साइज 10 है, देन उस केस में एरे के केस में एलिमेंट्स कितने एलोकेट होंगे, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। लेकिन ऑपरेशंस कितने लॉजिकली इस एरे के केस में कितने एलिमेंट्स मैनेज करेंगे, एन एलिमेंट। तो एन मीन्स इस केस में एन का वैल्यू रन टाइम पर कीवर्ड से रीड करेंगे, प्लस एन का वैल्यू कैसा होना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज। अगर एरे का मैक्सिमम साइज 10 है और एन का वैल्यू अगर 5 एंटर किया है, लॉजिकली कितने एलिमेंट्स के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करें, ओनली 5 एलिमेंट्स। लेकिन एलोकेशन कितने एलिमेंट्स के लिए हुआ, मैक्सिमम साइज मीन्स 10 एलिमेंट्स। क्लियर। सिमिलरली अगर एन का वैल्यू 7 एंटर किया, देन लॉजिकली एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स मैनेज करें, जबकि एलोकेशन कितने एलिमेंट्स के लिए हुआ, 10 एलिमेंट्स ऑफ मैक्स साइज। देन सबसे पहले मीन्स इसके स्टेप्स क्या होंगे, प्रोवाइड क्या करोगे, एरे डिक्लेरेशन विद मैक्सिमम साइज। मीन्स जस्ट फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ बाई इम्प्लीमेंटिंग सिंगल फंक्शन एज इन साइड मैन। मीन सारे के सारे ऑपरेशन में मैन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगा। देन इसके इसके ड्रॉबैक्स हाईलाइट करेंगे। इसके जस्ट बाद ऑपरेशन सेपरेटली इंडिविजुअली मीन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट क्या करेंगे, सेपरेट फंक्शंस। पहले मैं प्रॉब्लम शो करूंगा, देन प्रॉब्लम के लिए जस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मीन से ये एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल मैंने सिंपली यूज किया, सिंपल एग्जाम्पल जस्ट एरे के एलिमेंट का स्क्वायर परफॉर्म कराना। लेकिन आपके लिए प्रोग्राम इंपोर्टेंट किस नहीं, इंपोर्टेंट किस क्या, दीज स्टेप्स। सेम स्टेप्स में वन बाई वन नेक्स्ट कमिंग एग्जांपल्स में फॉलो करूंगा, इसलिए आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना होगा। फर्स्ट वन परफॉर्म क्या कराना है, क्रिएट एन एरे हैविंग मैक्स साइज 10। क्लियर। मैंने मैक्सिमम साइज 10 ही दिया है, आप सिस्टम के अंदर मैक्सिमम साइज 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम साइज 10 लिया जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ऑफ डायग्राम, जिससे मेरे लिए डायग्राम इजीली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल हो। तो इस केस में फर्स्ट वन प्लस सारे के सारे ऑपरेशंस किस फॉर्म में राइट करें, इनसाइड मैन। देन मैन के अंदर अगर कोई भी लॉजिक्स आप राइट कर रहे हैं, इन लॉजिक्स को रीयूज करना पॉसिबल नहीं, रीजन का सेम ऑपरेशन आपको मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्ड है, देन इनको रीयूज करना पॉसिबल नहीं हो। इसलिए रीयूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे, लॉजिक्स लॉजिक्स प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे जब भी आपको लॉजिक्स मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर्ड होंगे, मल्टीपल टाइम्स रीराइट न करके जस्ट इस रिक्वायर्ड फंक्शन को एवरी टाइम कॉल करें। तो पहले जस्ट मैं सिंगल फंक्शन मैनेज कर रहा हूँ, क्रिएट एन एरे, इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर रहा हूँ, प्लस एरे के केस में इसका मैक्सिमम साइज मैं यूज कर रहा हूँ एज अ एरे ए, प्लस इस केस में एरे का साइज क्या है, जस्ट 10। क्लियर। एरे के एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए लूपिंग के थ्रू मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे, इटरेटिव वेरिएबल और इंडेक्स वेरिएबल आई, प्लस इसके अलावा एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा एन। ये सब इसका मैक्सिमम साइज क्या है, 10, लेकिन लॉजिकल साइज क्या होगा, जस्ट एन। एन का वैल्यू 5 है, देन लॉजिकली 5 एलिमेंट मैनेज करें। एन का वैल्यू 7 है, देन लॉजिकली 7 एलिमेंट मैनेज करें, जबकि एलोकेशन कितने एलिमेंट्स के लिए होगा, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट। प्लस एरे के किस में जो भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर अगेन किस में स्टोर कराओगे, सेम एरे के अंदर, इसलिए स्क्वायर के रिजल्ट से स्टोर कराने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट करने की नीड नहीं है। सेकंड केस, सेकंड स्टेप क्या, रीड एन एरे विद साइज एन, मीन्स एरे साइज, मीन्स इस केस में रीड क्या करना है, साइज ऑफ एरे। मीन्स अभी इनिशियली जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो इस केस में जस्ट क्रिएट क्या हो जाएगा, एरे। इस एरे के केस में टोटल स्पेस कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट होगा, जैसा कि मैंने इसका साइज प्रोवाइड किया 10, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। प्लस इंटीजर टाइप्स के एलिमेंट, अगर एक सिंगल इंटीजर का साइज 2 बाइट है, तो इस कंप्लीट होल एरे का साइज क्या हुआ, एग्जैक्टली 20 बाइट्स। क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, 102, 104, 106, 7, 8, 1, 1, 0,
1, 2, 4, 6, 8 क्लियर। इंडेक्स की बात करें, इस होल एरे का नाम क्या है, ए। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4 एंड सो मैनी स्पेसिस, क्लियर लाइक दैट। देन इनिशियली एरे में कोई वैल्यू साइन नहीं हुआ, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे, जस्ट गार्बेज। इसके अलावा अदर वैल्यूज क्रिएट हुए, वेरिएबल एन, एन के लिए अभी कोई भी वैल्यू रीड नहीं हुआ। प्लस एरे के एलिमेंट को लूप्स के थ्रू इटरेट कराने के लिए यूज क्या करें, इंडेक्स वेरिएबल आई, दिस इज द मेमोरी एलोकेशन। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम अगर एरे का फिजिकल साइज क्या है, 10, मीन्स 10 एलिमेंट्स। लेकिन एरे के अंदर लॉजिकली एलिमेंट्स कितने मैनेज करेंगे, एन। अगर एन का वैल्यू 3 है देन ओनली बिगिनिंग 3 एलिमेंट के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम आपको रीड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एन, देन पुट्स और प्रिंट एफ एंटर साइज ऑफ एरे, एंटर साइज ऑफ एरे। इसके इसमें जैसे ही मैसेज डिस्प्ले हुआ, इसके बाद एलिमेंट्स को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, साइज रीड करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन, प्लस साइज को स्टोर कराएंगे इन साइड वेरिएबल एन, क्लियर। जैसे ही स्कैन एफ एग्जीक्यूट होने से पहले मैसेज क्या डिस्प्ले हुआ, एंटर साइज ऑफ एरे। सपोज दैट मैंने इस केस में एरे का साइज एंटर किया 3, तो 3 असाइन किस में हो जाएगा, जस्ट एन में, क्लियर। मीन्स स्पेस 10 एलिमेंट्स के लिए एलोकेट हुआ, लेकिन लॉजिकली एलिमेंट्स है, लॉजिकल साइज क्या इसका, जस्ट 3। तो मैनेज कितने एलिमेंट्स करोगे, ओनली 3 एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप एलिमेंट्स, देन नेक्स्ट टाइम साइज रीड करने के बाद अब कीबोर्ड से आपको एरे के लिए डेटा या एलिमेंट्स रीड कराना। तो एलिमेंट्स कितने रीड करें, डिपेंड करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। अगर एन का वैल्यू 10 है देन एलिमेंट्स कितने रीड कराना, 10। मैं इसके समय बाई डिफॉल्ट एज्यूम करके चलूंगा एवरी टाइम एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन मैक्सिमम साइज, क्लियर। इसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसके इसमें कंडीशन ऐड कर सकते हो, इफ वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन 10 देन रिटर्न वेब टू कॉलिंग प्लेस फॉर सम एरर मैसेज। नेक्स्ट फाइंड इस केस में एन एलिमेंट्स कीवर्ड्स रीड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेफ्ट टू राइट एरे में स्टोर कराना। तो एलिमेंट्स को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, स्कैन एप। स्कैन एप कितनी बार कॉल करने की जरूरत होगी, 3 टाइम्स। फर्स्ट एलिमेंट किस प्लेस पर आसान होगा, 0 इंडेक्स। सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। इसे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। इसके साथ ऑपरेशन लूप के थ्रू परफॉर्म कराएं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी श्योर हो आपको 5 एलिमेंट रीड करना है, स्कैन एप डायरेक्टली 5 टाइम्स राइट करना पॉसिबल है। अगर आप श्योर हो आपको 3 एलिमेंट रीड करना है, स्कैन एप 3 टाइम राइट करना पॉसिबल। लेकिन इसके इसमें कितने एलिमेंट रीड कराना, ऑपरेशन कैसे अनडिफाइंड। तो इसके इसमें इसे ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म कराना डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन, मीन्स डायनेमिक। तो इस केस में डायनेमिकली ऑपरेशन मैनेज करने के लिए यूज क्या करें, लूप। लूप के केस में सबसे पहले डेटा किस एलिमेंट के लिए रीड होगा, 0 इंडेक्स के लिए। वाई के केस में स्टार्टिंग किस प्लेस से कराना, 0 से। तो इस केस में जस्ट पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, प्रिंट एफ एंटर एन एलिमेंट, एंटर एन एलिमेंट। एन के प्लेस यूज क्या करें, परसेंट डी एन एलिमेंट। अगर ऑलरेडी श्योर हो 10 एलिमेंट रीड कराना देना, आप यूज क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 10। लेकिन इस केस में 10% डी के प्लेस पर एवरी टाइम रिप्लेस क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ एन। अगर एन का वैल्यू 3 है तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, इस मैसेज एंटर 3 एलिमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन एलिमेंट्स को रीड करने के लिए यूज क्या करो, फॉर लूप। लूप के अंदर आसान क्या कराएंगे, आई इक्वल टू 0 प्लस कितने एलिमेंट रीड कराना है, एन। तो इसलिए कंडीशन में क्या पास करोगे, आई लेस देन एन। देन एवरी टाइम इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करा, इसलिए यूज क्या करोगे, आई प्लस प्लस, क्लियर। नेक्स्ट वन, जस्ट इस केस में यूज क्या करेंगे, स्कैन एफ। इस लूप का लॉजिकली एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ, एन टाइम्स। तो स्कैन एफ भी कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एन टाइम्स। इस केस में एवरी टाइम वैल्यू किसके लिए रीड कराएंगे, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई से रिप्रेजेंट क्या होंगे, क्या होगा इस केस में, 1 by 1 ऑल एरे एलिमेंट एड्रेस। फर्स्ट टाइम क्या है, आई का वैल्यू 0 होगा तो इससे क्या रिप्लेस होगा, ए ऑफ 0 और एड्रेस ऑफ ए 0। तो इसलिए वैल्यू किस में साइन होगा, ए 0 के एड्रेस में, ए 0 में। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू किस में साइन होगा, ए 1 में, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, जस्ट इसके थ्रू जब इसे स्कैन है फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। देन स्पेस पर पास क्या, एड्रेस ऑफ ए 0। चेक करो डायग्राम में ए 0 का एड्रेस क्या है, जस्ट 100। जो भी आप वैल्यू रन टाइम पर कीबोर्ड से एंटर करोगे, समथिंग 10, 10 किस एड्रेस में साइन हो जाएगा, एड्रेस 100, मीन्स दिस लोकेशन बिकम्स 10। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगेन 1 लेस देन 3, कंडीशन 2। तो नेक्स्ट टाइम क्या पास होगा, ए एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 का एड्रेस क्या है, 102। तो स्पेस पर पास क्या हो, 102। इसलिए वैल्यू भी किस लोकेशन में साइन हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू ने एंटर किया समथिंग 20,
सिमिलरली 30, क्लियर। जैसे ही आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 3 लेस देन 3 कंडीशन कम फॉल्स, देन कंट्रोल का आउटसाइड लूप। नेक्स्ट मीन्स फर्स्ट टाइम एरे के लिए एलिमेंट्स भी रीड हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराना है, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मीन्स जितने भी एलिमेंट स्टोर है सभी एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करा के उसी प्लेस पर कॉपी करना है। तो स्क्वायर किसके लिए परफॉर्म कराना, ऑल एलिमेंट। जब भी आपको एरे कोई भी ऑपरेशन एरे के सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई करना, देन ऑलवेज आप फॉलो क्या करोगे, सेम लूप अगेन, फॉर लूप अगेन, स्टार्टिंग किस इंडेक्स से करेंगे, फ्रॉम 0 अप टू n। इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगा, अगेन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इस लूप के बॉडी पार्ट में जो भी ऑपरेशन राइट करूंगा एवरी टाइम, एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा इनका, एन टाइम्स, प्लस इस केस में किसी भी वेरिएबल, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है समथिंग x, अगर इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना तो जस्ट यूज क्या करो, x मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ आपको स्क्वायर किसका कराना है, फर्स्ट टाइम स्क्वायर किसका हुआ, a ऑफ 0 का, तो a ऑफ 0 का स्क्वायर क्या हुआ, इस अगेन a ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई a ऑफ 0, इसका रिजल्ट भी किसमें आसान कराना है, अगेन a ऑफ 0। नेक्स्ट टाइम स्क्वायर किसका कराना है, ए ऑफ 1 का, ए ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होगा, ए ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई ए ऑफ 1, अगेन रिजल्ट किसमें आसान होगा, ए ऑफ 1 में, एंड सो ऑन अप टू एन माइनस 1, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, एन माइनस 1। तो इस केस में फाइनली फर्स्ट टाइम क्या रिक्वायर्ड है, 0, नेक्स्ट टाइम 1, लाइक दैट। इस केस में अगेन आई के वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या, 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, फाइनली इंडेक्स के प्लेस पर कॉन्स्टेंट वैल्यू पास ना करें, यूज क्या करोगे, आई, क्लियर। प्लस पर्टिकुलर ऑपरेशन है स्क्वायर, मैंने राइट डाउन कहाँ किया, इनसाइड बॉडी ऑफ लूप, और लूप के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट भी होंगे, इसलिए स्क्वायर भी सभी एलिमेंट्स के लिए पर्थ होगा। अगेन चेक इट, आई में क्या आसान हो जाएगा, 0, देन 0 लेस देन वैल्यू ऑफ एन विच इज 3, कंडीशन ट्रू, ट्रू है, देन इस प्लेस पर जस्ट परफॉर्म किया हुआ बॉडी के रिस्पेक्ट में, आई के प्लेस पर 0 रिप्लेस कराएंगे, ए 0 मल्टीप्लाई बाई ए 0, डायग्राम में ए 0 का वैल्यू क्या, 10, देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 100, आसानी किसमें हो जाएगा, ए 0 में, तो ए 0 का न्यू वैल्यू क्या होगा, जस्ट 100, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, 1 लेस देन 3, कंडीशन अगेन ट्रू, अगेन टू द बॉडी के अंदर आई के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे, करंट वैल्यू ऑफ आई, और आई का करंटली वैल्यू क्या, 1, इसका मीनिंग क्या, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू ए ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई मीन्स दैट एलिमेंट, ए ऑफ 1 में क्या 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 400, आसान किसमें हो जाएगा, जस्ट अगेन ए ऑफ 1 में, तो ए ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400, क्लियर। सेम आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू है, तो आई के प्लेस पर इस बार रिप्लेस क्या कराओगे, आई का करंट वैल्यू, और आई में करंटली क्या स्टोर है, 2, ए ऑफ 2 इक्वल्स टू ए ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 में क्या फॉर्म हो रहा है, 30, तो नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई होंगे, 30 के लिए, इसका स्क्वायर क्या हुआ, जस्ट 900, और 900 किसमें आसान होगा, ए ऑफ 2 इंडेक्स, इट विल बिकम्स 900, आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 3, 3 लेस देन 3, कंडीशन बिकम फॉल्स, देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटसाइड लूप। चेक कर सकते हो इस केस में एरे के लिए कोई भी ऑपरेशन सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई हो रहा है, इसलिए रिपीट कर रहा लूप। फर्स्ट लूप के थ्रू परफॉर्म क्या हो रहा है, रीडिंग एन एलिमेंट्स यूजिंग स्कैनफ, सेकंड केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट, लास्ट केस क्या है, डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स, मीन जो भी आपने स्क्वायर जनरेट किया है स्क्वायर का रिजल्ट किस में, एरे के अंदर, तो अगेन डिस्प्ले क्या कराना है, ऑल एरे एलिमेंट, तो एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए अगेन क्या यूज करोगे, फॉर लूप, देन फर्स्ट मीन्स अगेन फिर से स्टार्टिंग से डिस्प्ले कराना स्टार्ट करोगे, और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या, 0, तो अगेन आई में क्या साइन कराएंगे, 0, आई इक्वल्स टू 0 कब तक डिस्प्ले कराओगे, जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा है, एवरी टाइम इंडेक्स में इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से, देन इस केस में परफॉर्म क्या कराना, फर्स्ट टाइम में परफॉर्म क्या कराया था, रीडिंग, तो रीडिंग के केस में यूज क्या किया था, स्कैन, इस केस में डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करोगे, जस्ट प्रिंट एफ, प्लस कोई एरे का करंट एलिमेंट ऑलवेज रेफर किससे हुआ, ए ऑफ आई से, तो अगेन फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, 0, डिस्प्ले क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, मीन इस प्लेस पर जस्ट आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ, आई का वैल्यू क्या करंटली, 0, तो अगेन कंडीशन टेस्ट हो, 0 लेस देन 3, डिस्प्ले क्या हुआ, ए ऑफ 0, प्रिंट एफ के थ्रू, मीन कंडीशन टू था, ए ऑफ 0 में क्या, 100, डिस्प्ले क्या हो जाएगा, जस्ट 100, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, अगेन 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एफ में क्या पास हुआ, ए वन में क्या स्टोर है, 400, डिस्प्ले क्या हो जाएगा, 400, नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ, 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन 2, डिस्प्ले क्या हुआ, ए ऑफ 2 में क्या स्टोर है, जस्ट
900, 20 का जाएगा 900, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या जाएगा जस्ट 3, कंडीशन टेस्ट करो 3 लेस देन 3 कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, देन जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा उससे पहले एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो चुके हैं क्लियर इन दैट प्लेस, देन फाइनली क्लोजिंग दिस फंक्शन। इस केस में प्रोग्राम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एवो कोडिंग, इस केस में फाइनली प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट मैं एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा। इस टाइप का प्रोग्राम में आपको कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जब भी आप कोई ऑपरेशन एरे के लिए परफॉर्म करा रहे हो, देन अगर सिंगल एरे है देन उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके स्टाइल से कोड राइट डाउन करना पॉसिबल, लेकिन रियल टाइम के अकॉर्डिंग बात करें, रियल प्रोग्राम अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, देन इस केस में कोड ऑलवेज कैसा होना चाहिए, रियूजेबल। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर कोड से परफॉर्म क्या हो रहा है, रीडिंग एरे एलिमेंट्स, इस केस में कैलकुलेट क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ एरे एलिमेंट, देन डिस्प्ले एरे एलिमेंट, देन इस केस में मीन्स फाइनली कोड को लॉजिकली मैंने 3 सेशन में डिवाइड कर रखा है, प्लस ये ऑपरेशंस परफॉर्म किसके लिए हो रहा है, एरे ए के लिए। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रोग्राम के अंदर अभी तो सिंगल एरे था, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आपके पास मल्टीपल एरे अवेलेबल है, लाइक दैट इंट ए विद मैक्स साइज 10, इंट बी ऑल्सो 10, इंट सी ऑल्सो 10, क्लियर। फाइनली इस केस में मैनेज क्या करना चाहता हूँ, ग्रेड ऑफ 10 स्टूडेंट, इस फर्स्ट एरे के अंदर मुझे मैनेज क्या करना है, ग्रेड ऑफ 10 स्टूडेंट और 10 एमसीए स्टूडेंट, नेक्स्ट एरे में मैनेज क्या करना है मुझे, ग्रेड ऑफ 10 बी स्टूडेंट्स, देन थर्ड एरे में मैनेज क्या करना है, ग्रेड ऑफ 10 बी सी ए स्टूडेंट, लाइक दैट। इस टाइप से सपोज दैट अगर आपके पास 10 कोर्सेस हैं, देन इस केस में टोटल एरे कितने क्रिएट करोगे, 10 एरे, क्लियर। 10 एरे क्रिएट करने के बाद ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए पहले ग्रेड का वैल्यू आप कीबोर्ड से रीड करोगे, तो पर्टिकुलर रीड ऑपरेशंस टोटल आपके पास एरे कितने, 10, तो रीड ऑपरेशंस आपको कितनी बार राइट डाउन करने की जरूरत होगी इस केस में, 10 टाइम्स, इज इट क्लियर। जस्ट बेसिक एग्जाम्पल इसके जैसे आपकी प्रॉब्लम समझना पॉसिबल, सेम एज सपोज ग्रेड के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको सभी नंबर्स के या वैल्यूज का स्क्वायर परफॉर्म कराना सभी एरे के लिए, तो स्क्वायर कितने एरे के लिए परफॉर्म कराना, 10 एरे, तो 10 एरे के केस में सेम लॉजिक जिससे स्क्वायर कैलकुलेटर लॉजिक्स आप कितनी बार रिपीट करोगे, 10 टाइम्स, क्लियर। नेक्स्ट सेम एज अगर सभी एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कराना, तो डिस्प्ले कराने का गिवन लॉजिक था, ये लॉजिक डिस्प्ले कराने का भी लॉजिक कितनी बार रिपीट होगा, 10 टाइम्स। तो फाइनली किसी एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, देन 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल कितने स्टेटमेंट हुए, 30, 50, 70, तो इसके साथ आपको कितना कोड राइट करने की जरूरत हो, 70 स्टेटमेंट, क्लियर। क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ कोड का लेंथ इंक्रीज होने के साथ साथ ऑपरेशंस भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस कोड बार बार रिपीट हो रहा है, देन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप यूज़ क्या करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम, मॉड्यूलर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो इस केस में जस्ट सेम प्रोग्राम में कन्वर्ट किस फॉर्म में करना चाहता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। अगेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैंने टोटल 3 ऑपरेशंस प्रोवाइड किए, तो टोटल 3 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस भी कितने प्रोवाइड करने होंगे, 3 सेपरेट फंक्शंस। देन इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, सपोज दैट अगर आपने डेटा एरे के लिए एलिमेंट रीड करने के लिए कोई फंक्शन क्रिएट कर रखा है रीड, देन उसके साथ 3 स्टेटमेंट के लिए इस पर जब भी आपको ये स्टेटमेंट 10 सॉरी ये ऑपरेशन 10 डिफरेंट डिफरेंट एरे के लिए परफॉर्म कराने नीड होगी, देन उसके साथ एवरी टाइम आप कॉल क्या कर लो, सम फंक्शन नेम एज रीड प्लस इसके साथ वो एरे पास करो जिस एरे के लिए एलिमेंट रीड कराना है, कितने एलिमेंट रीड कराना है, एन, देन अगेन सेम एज एरे बी, एरे बी के लिए डेटा रीड करना, अगेन पास करो एरे नेम बी, देन साइज ऑफ एरे एंड सो ऑन। तो इस केस में सेम स्टेटमेंट 10 टाइम रिपीट हुआ क्या, नहीं ओनली 1 टाइम, लेकिन 10 टाइम आप जस्ट इस फंक्शन को कॉल कराओ, क्लियर। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लियर। तो इस केस में जस्ट मैं फंक्शन क्रिएट कराना बता रहा हूँ आपको। इन दैट केस सबसे पहले परफॉर्म क्या करना चाहते हैं, रीड ऑपरेशन, तो रीड ऑपरेशन की केस में जस्ट क्या है, फॉर लूप। तो इस केस में रीड ऑपरेशन फंक्शन से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, इसलिए रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे, वॉइड प्लस इस प्लेस पर आप कॉल क्या करा लो, फंक्शन नेम एज रीड, लाइक दैट। मीन्स स्टेटमेंट्स के प्लेस पर जस्ट मैं कॉल क्या करा लूंगा, फंक्शन नेम एज रीड, रीड के अंदर सप्लाई क्या करोगे, इस एरे का एड्रेस जिस एरे के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। लेकिन इस प्लेस पर जब एरे पास करोगे, हो सकता है किसी एरे का साइज 10 है, किसी अदर एरे का साइज 20 है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइज है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज पास करने की जरूरत होगी। मीन्स यहाँ टारगेट प्लेस पर जो फंक्शन होगा उसके पास
एरे के साइज का इन्फॉर्मेशन कभी भी अवेलेबल नहीं। अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हो, स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट होता है? जस्ट नल से। लेकिन अगर इंटीजर एरे या फ्लोट या नॉर्मल एरे की बात करें, नॉर्मल एरे कभी भी कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होता। इसलिए टर्मिनेशन कंडीशन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट आप मैनुअली सप्लाई करो, करंट प्रोग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट किस फॉर्म में मैंने दिया, एन के फॉर्म में सप्लाई किया करते हैं, जस्ट एन। तो इस केस में फर्स्ट केस में क्या पास हुआ, एरे नेम, और एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और एड्रेस के स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो, जस्ट पॉइंटर। पॉइंटर का टाइप क्या होगा, व्हाट एवर टाइप ऑफ एरे, एरे का टाइप इंटीजर है इसलिए पॉइंटर का भी टाइप क्या है, ऑल्सो इंटीजर। नेक्स्ट में सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास हुआ, एन, एन का टाइप क्या है, ऑल्सो इंट, एन मीन साइज। तो इस केस में एन के प्लेस पर अगर मैंने वेरिएबल नेम यूज किया, सेम नेम एन, जस्ट इस केस में एक वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करोगे आई, मैनेज क्या करेंगे, मीन्स जो लॉजिक मैंने डायरेक्टली प्लेस किया था सेम लॉजिक कॉपी का करना, इनसाइड फंक्शन आई इक्वल्स टू जीरो कब तक चलाना है, अप टू एन। याद रखना जब भी कहीं भी किसी फंक्शन में आप इंटीजर एरे पास करते हो, मीन्स एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग, कैरेक्टर एरे के अलावा आप किसी भी टाइप का एरे पास करते हो, उस केस में एरे का साइज पास करना कंपलसरी है। अदरवाइज आपको कैसे पता है, सपोज डेट अगर आपने स्पेस पर फिक्स कर दिया 10, तो हो सकता है किसी एरे का साइज 10 एलिमेंट्स हो, सकता है किसी एरे के अंदर 1000 एलिमेंट्स हो। लेकिन अगर आपने एन के फॉर्म में साइज पास किया, जिस एरे का साइज 10 होगा उस केस में क्या पास करोगे, एन का वैल्यू 10, जिस केस में एरे का साइज 1000 होगा उस केस में एन का वैल्यू क्या पास हो जाएगा, कॉलिंग प्लेस जस्ट 1000। तो ये सभी सिचुएशन में वर्क करेगा, इसलिए एरे का साइज पास करना कंपलसरी है। अगर सभी एरे का साइज फिक्स्ड है देन इस प्लेस पर आप डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज कर सकते हो, लाइक 10 और 20। अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज के एरे हैं तो इस केस में यूज क्या करोगे, ऑलवेज एन। देन यूजिंग स्कैनएफ %d एरे पॉइंट किसके थ्रू, आप पी के थ्रू, यूज क्या करोगे, एड्रेस ऑफ पी ऑफ आई, सेम एरे इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करोगे यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल आई। सेम है सेकेंड प्लेस, सेकेंड केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो अगेन एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, वॉइड स्क्वेयर, फंक्शन नेम है स्क्वेयर। देन इस प्लेस पर फाइनली कॉल क्या करा लोगे, फंक्शन नेम है स्क्वेयर। स्क्वेयर फंक्शन को कॉल कराने के लिए आप उस एरे का एड्रेस पास करो, जैसे एरे के एलिमेंट्स के लिए स्क्वेयर परफॉर्म कराना है। देन इस एरे का साइज क्या है, एन, इसलिए सप्लाई क्या करो, एन। मीन्स किसी भी एरे को प्रोसेस करने के रिस्पेक्ट में एटलीस्ट आपको 2 आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एरे नेम मीन्स एरे का बेस एड्रेस और साइज ऑफ एरे, क्लियर। अगर आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है देन एरे को प्रोसेस करना पॉसिबल है। देन अगेन आर्गुमेंट टाइप दोनों के इसमें कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, जस्ट साइज ऑफ एरे। देन इस केस में परफॉर्म क्या कराना है, स्क्वायर। तो इस केस में अगेन एरे के रिस्पेक्ट में मैनेज क्या करेंगे, लूपिंग स्टेट, जो कोड मैंने स्पेस पर राइट किया था सेम कोड इस फंक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, प्लस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करोगे आई, फोर लूप, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। देन अगेन स्क्वायर परफॉर्म कराने के लिए यहाँ एरे को एक्सेस किससे करोगे, यूजिंग पी। इस केस में राइट डाउन क्या करें, पी ऑफ आई इक्वल्स टू पी ऑफ I मल्टीप्लाई बाई पी ऑफ आई, देन क्लोज दिस। नेक्स्ट वन सिमिलरली डिस्प्ले कराने के लिए लॉजिक रिपीट न करके अगेन मैं वन मोर फंक्शन क्रिएट करा लूंगा, जस्ट डिस्प्ले। इसका एडवांटेज क्या है, दिस इज बिकम्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मीन्स मॉड्यूल बाई मॉड्यूल, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक के रिस्पेक्ट में लॉजिक्स को जस्ट मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। देन आपके पास मेन फंक्शन भी कैसा हो चुका है, लाइक अ रीडेबल फंक्शन, मीन्स मेन के अंदर सारे सारे लॉजिक्स ऑफ कोड कैसे इन रीडेबल फॉर्म, दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट केस में क्रिएट क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन का भी पर्पज क्या है, एरे के ऑल एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, इसलिए इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करोगे एज अ वॉइड। मीन्स फर्स्ट आर्गुमेंट पास क्या करूँ, उस एरे को पास करोगे जिससे उस एरे का एड्रेस पास करेंगे जिस एरे के लिए एलिमेंट डिस्प्ले कराना, प्लस एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने सप्लाई किया करो, साइज ऑफ एरे। देन अगेन एरे के केस में अगर कोई भी ऑपरेशन सभी एलिमेंट के लिए अप्लाई करते देन ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है, लूप। लूप कहाँ से चलाओ, फ्रॉम 0 to n-1 विच इज इक्वलेंट टू आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, डिस्प्लेइंग ऑल एलिमेंट। डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर लें प्रिंट एफ, जस्ट %d देन पी ऑफ आई, क्लोजिंग दिस मेन फंक्शन, क्लियर। इस केस में सारे लॉजिक कैसे रीडेबल, इसका एडवांटेज क्या है, सपोज दैट मीसे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको कॉपी कर सकते हो, पर इस प्लेस पर मेन के अंदर टोटल 10 एरे हैं, लाइक इंट ए ऑफ 10, देन सिमिलरली इंट
बी ऑफ 20 में सभी एरे का साइज कैसा सेम और डिफरेंट 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 क्लियर। देन अगर सबसे पहले परफों क्या कराना चाहते हैं इस केस में, एरे ए के लिए मुझे परफों क्या कराना है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ ए, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ बी, कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ सी एंड सो ऑन। तो इस केस में सबसे पहले एलिमेंट्स को रीड कराएंगे, तो एलिमेंट्स रीड कराने के लिए जस्ट रीड फंक्शन में पास कर किया ने एरे ए, ए का साइज क्या है 10, तो एरे ए के लिए कितने एलिमेंट्स रीड होंगे जस्ट 10 बाई यूजिंग दिस फंक्शन। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे एरे बी के लिए अगर एलिमेंट रीड कराना तो इसमें एरे का किस एरे का एड्रेस पास होगा बी, और बी का साइज क्या करेंट बी 20। अगेन इस केस में सेम लॉजिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जस्ट फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट राइट करो, जस्ट फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कराओगे। अगर टोटल 10 एरे तो इस टाइप से कोड कितनी बार राइट होगा अप टू 10 टाइम्स। नेक्स्ट बार रीड करने के बाद स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैं स्क्वायर कैलकुलेट कराऊँ फॉर फंक्शन ए, तो सप्लाई क्या करूँगा जस्ट ए, ए का साइज क्या 10, तो इसलिए एन का वैल्यू क्या पास होगा 10 स्क्वायर में, तो ऑपरेशन पे कितनी बार अप्लाई होंगे 10 टाइम्स मीन्स फॉर 10 एलिमेंट्स। सेकेंड केस में स्क्वायर बी का परफॉर्म कराना है तो इस केस में नेक्स्ट टाइम एड्रेस किसका पास करोगे एरे, मीन्स जिस एरे के लिए ऑपरेशन से अप्लाई करना चाहते हो सेम एरे का एड्रेस पास करेंगे और सेम एरे का साइज पास करोगे। मीन्स सेम लॉजिक स्क्वायर 10 एलिमेंट्स के लिए वर्क कर रहा है, 20 एलिमेंट्स के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ कंडीशन कैसा है डायनेमिक। क्लियर। देन अगेन ये ऑपरेशन कितनी बार राइट कर सकते हो 10 एरे देन 10 टाइम्स। अगेन लॉजिक्स मीन्स एक्चुअल लॉजिक्स कितनी बार रिपीट हुआ 10 टाइम्स और 1 टाइम्स ओनली, 1 टाइम्स ओनली रिपीट किया हो रहा है इसके साथ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट सेम एज एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए। अगर आपके पास 10 एरे हैं तो सिंपली कॉल क्या कर लोगे डिस्प्ले ए का साइज क्या 10, सिमिलरली डिस्प्ले व्हाट इज द साइज ऑफ बी 20। स्टार्ट से अगेन डिस्प्ले फंक्शन में कितनी बार कॉल करा सकते हो 10 टाइम्स। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मीन्स इन फ्यूचर में जितने भी लॉजिक्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करूंगा सभी प्रोग्राम्स के लॉजिक हमेशा फंक्शंस के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। स्पेशली आपको याद रखना है जब भी किसी फंक्शन में एरे से रिलेटेड ऑपरेशन प्रोवाइड करोगे तो उस फंक्शन के पास एटलीस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, बेस एड्रेस ऑफ एरे एंड साइज ऑफ एरे। अगर टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है देन एरे के लिए कोई भी ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल है।